आप सभी को सलाम। और मैं अपनी बात रखता हूँ कि कामयाबी के नए आयाम बनाने में बुलंदियों के नए मकाम बनाने में कामयाबी के नए आयाम बनाने में बुलंदियों के नए मकाम बनाने में और मेरा नाम जानकर क्या करोगे तुम। मैं भी लगा हुआ हूँ नाम बनाने में। और एक शेर पढ़ना तो नहीं था लेकिन पढ़ देता हूँ मन हुआ तो, कि हम अपनी खुशियों को ही नहीं अपने गमों को भी देखते हैं। हम अपनी खुशियों को ही नहीं अपने गमों को भी देखते हैं। हम उसकी आँखों को ही नहीं उसके चश्मों को भी देखते हैं। हम उसकी आँखों को ही नहीं हम उसके चश्मों को भी देखते हैं। और हमारी फितरत का अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे। हम लड़कियों को तो देखते हैं साथ में मैडमों को भी देखते हैं। हम लड़कियों को तो देखते हैं साथ में मैडमों को भी देखते हैं। और ये तो हंसी मजाक की बात हो गई थोड़ा माहौल बनाने के लिए। अब मैं अपनी बात रखता हूँ एक गज़ल के चंद शेर कि वो लोग इतने मस्त है अपनी मस्ती में खुद समंदर सवार है जिनकी कश्ती में। वो लोग इतने मस्त है अपनी मस्ती में खुद समंदर सवार है जिनकी कश्ती में। जुगनुओं अब तुम्हारा दौर जाने वाला है। ये सूरज उग रहा है अंधेरों की बस्ती में। उसके कहने पर छोड़ दिया उसे मैंने। मोहब्बत क्या भला होती है जबरदस्ती में। और ऐसी लाखों जाने कुर्बान है इस वतन पर। और क्या सबूत दे अपनी वतन परस्ती में। और एक मतला गौर फरमाइए कि तमाम उम्र एक उसी को सोचने में गुजरी है। जो उसने जब पिलाई थी आज तक नहीं उतरी है। एक मतला और एक शेर के इस एक बात पे पर्दा डाल रखा है। आज भी हमने तेरा गम संभाल रखा है। एक तू है के निकलता नहीं दिल से। तेरे अलावा सभी को तो निकाल रखा है। और एक गजल के चंद शेर के जब कुछ बचा ही नहीं दरमियां हमारे तो फिर क्यों करते हो आकोश इशारे। जब कुछ बचा ही नहीं दरमियां हमारे तो फिर क्यों करते हो आंखों से इशारे। अब तो नजर के सामने मत आओ। क्या सितम बाकी रह गए है तुम्हारे। दुनिया पहले मेरी नजर में अच्छी थी। मेरी आंखों से ये चश्मे तुमने उतारे। कई और दिल लगा ही नहीं मेरा। मुकद्दर फिर ले आया तुम्हारे द्वारे। बुझानी है मुझे चाहतों की चिंगारी। बनाने हैं उसे फिर से वही शरारे। तुम्हारी मर्जी हो तो जा सकते हो तोड़कर नहीं लाने वाला मैं चांद सितारे। और एक शेर कि किसी देश की संसद में सारे चोर जमा हो गए। एक ही जगह पर सारे तासुब खोर जमा हो गए। मुझे जान हथेली पर रखने वाले चाहिए थे। मेरे लश्कर में सबके सब कमजोर जमा हो गए। और एक नज्म से अपनी जगह लूंगा, इसका शीर्षक है प्रवासी मजदूर। कि अभी लॉकडाउन में जैसा आपने देखा होगा मजदूरों ने उनके ऊपर लिखा है कि किसी सजा के हकदार नहीं है
किसी सजा के हकदार नहीं है हम, किसी के गुनाहगार नहीं है, बेगुनाह बेकसूर है साहब, हम प्रवासी मजदूर है साहब, हर सुबह मजदूरी पर निकलते हैं, सैकड़ों मील पैदल चलते हैं, तब जाकर कई हमारे घरों के चूल्हे जलते हैं, अपने ही गमों में चकनाचूर है साहब, हम प्रवासी मजदूर है साहब, दो वक्त की रोटी खातिर घाव छोड़ना पड़ता है, कोई आराम मयस्सर नहीं, आग में खुद को झोंकना पड़ता है, कोयले की शक्ल में कोहे नूर है साहब, हम प्रवासी मजदूर है साहब, कभी रोटी की जगह लोहे के चने चाबे है, जरूरत पड़ने पर अपने सपने चाबे है, हम इसी बात का गुरूर है साहब, हम प्रवासी मजदूर है साहब, हर हालत में गुजर बसर करते हैं, जो मिला उसी में शुक्र करते हैं, रब का हर फैसला मंजूर है साहब, हम प्रवासी मजदूर है साहब, दौलत नहीं प्यार भरपूर है साहब, हम प्रवासी मजदूर है साहब, इन दिनों दाल रोटी को भी तरसे है, भूख प्यास अंगार बन के बरसे है, आंखों में फिर भी नूर है साहब, हम प्रवासी मजदूर है साहब, बिछाने को बिस्तर नहीं, ओढ़ने को चादर नहीं, सड़कों पे सोने को मजबूर है साहब, हम प्रवासी मजदूर है साहब, उलझन में उलझे हुए है, बेबस होकर फंसे हुए, घरों से कोसों दूर है साहब, हम प्रवासी मजदूर है साहब। एक शेर कहकर अपनी जगह लूंगा, कि सपेरे की जब से यारी मिली सांपों की जानकारी मिली, सपेरे की जब से यारी मिली सांपों की जानकारी मिली, और आस्तीन उलट कर जब देखा हमने, सारी गलती हमारी मिली।